हेलो गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। आज एक बार फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से जो है दजाल के आने की तैयारियां हो रही है, और सिम्पसन कार्टून जो एक प्रेडिक्शंस करता है कि आने वाले वक्त का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक वीडियो है रियल वर्ल्ड, मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया है, ठीक है, और हम इस वीडियो का रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एट द एंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज्जिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब भी पेशगोइयों का जिक्र आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले सिम्पसन नामी कार्टून का नाम आता है, क्योंकि ये वाहिद कार्टून है जिसमें दिखाई जाने वाली तकरीबन हर पेशगोई पूरी होती है। इसलिए जब भी सिम्पसन की किसी नई पेशगोई का जिक्र होता है तो पूरी दुनिया की तवज्जो इसकी जानिब मबजूल हो जाती है। ऐसा ही कुछ हालिया दिनों में हो रहा है, क्योंकि जब से नए साल का आगाज हुआ है तब से ही सिम्पसन कार्टून की मुख्तलिफ पेशगोइयों का चर्चा है। लिहाजा आज की वीडियो में भी हम इस कार्टून में की जाने वाली ऐसी पेशगोइयों का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक 2023 से है, और खास तौर आपको एक ऐसी पेशगोई से मुतल्लिक आगाह भी करेंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। नाज़रीन-ए-गिरामी, सिम्पसन की 2023 की पहली पेशगोई के मुताबिक इस साल दुनिया भर में जलजले आएंगे। ये सन 2001 की बात है जब सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बजाहिर एक तफरी गाह जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर और बातों के साथ साथ 2023 भी लिखा होता है, यानी ये बताया जा रहा है कि उस सीन में 2023 के हवाले से पेशगोई की जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और वहां मौजूद मुख्तलिफ चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं, और फिर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं जो जलजले की वजह से लरज रहे होते हैं। इस पेशगोई में ये बताया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के जलजले आएंगे जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कार्टून ने 2023 में खास तौर पर पाकिस्तान में जलजलों की पेशगोई की है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की जान भी जा सकती है, जबकि माली नुकसान भी काफी हद तक हो सकता है। अब ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वाकई दुनिया ये तबाही देखेगी या फिर ये सिर्फ पेशगोई ही रह जाएगी। अलबत्ता हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तबाही से महफूज रखे। प्यारे साथियों, आज से 22 साल पहले इसी कार्टून की एक किस्त में यह भी दिखाया जाता है कि आने वाली नस्ल मशीनों की मदद से पैदा की जा रही है, यानी मुस्तकबिल में बच्चों को लेबॉरेटरीज में तैयार किया जाएगा, और ये रुझान बढ़ जाएगा कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश लेबॉरेटरीज में करवाएं। लिहाजा आज आप देख लें कि जैसे ही 2023 का सूरज तलू होने वाला था तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया जिसकी मदद से इंसानी बच्चे मशीनों में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे एक्टिव लाइफ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। और इसकी खास बात यह होगी कि वालदैन अपने बच्चों को डिजाइन कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के तहत वालदैन को मैन्यू से बच्चे की खसूसियात जैसे आंखों का रंग, कद और ताकत वगैरह का इंतखाब करने का मौका भी मिलेगा, और वालदैन अपनी पसंद के बच्चे डिजाइन करके उन्हें फैक्ट्री में ही पैदा कर सकते हैं। इस काम के लिए जीन एडिटिंग होगी जो कि इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर की जाएगी, और एक स्मार्ट डिजिटल स्क्रीन एक्टिव लाइफ की सहूलत हासिल करने वाले वालदैन और फैक्ट्री के मुलाजमीन को बच्चे की अफजाई से मुतल्लिक पल पल की तफसीलात दिखाती रहेगी, यहां तक कि इसे आप अपने फोन ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। पोर्स पर मौजूद सेंसर्स बच्चे की नशोनुमा के दौरान सामने आने वाली अलामात की निगरानी करते हैं और उन्हें स्क्रीन पर भी पेश करते हैं। इसमें बच्चे की दिल की धड़कन, दर्जा हरारत, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रफ्तार और ऑक्सीजन की फ्राहमी वगैरह शामिल है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को अफजाइश के दौरान ही अपनी पसंद की म्यूजिक और बातें भी सुना सकते हैं। अगर वालदैन चाहें तो मस्नूई जहानत सेटअप के जरिए बच्चे के अंदर मुमकिन जीनियाती बिगाड़ को पकड़कर उन्हें दुरुस्त भी किया जा सकता है। नाज़रीन-ए-गिरामी, अगर हम इस कार्टून की मजीद पेशगोइयों की बात करें तो इसमें ज़ॉम्बीज़ के हवाले से भी वाज़े तौर पर पेशगोई की जा चुकी है, जैसा कि सन 1998 की एक किस्त में एक मीडिया वाले को दिखाया जाता है जो एक ऐसी दुकान के सामने खड़ा होता है जिस पर बर्गर लंच टुडे लिखा है, यानी वो एक बर्गर शॉप पर खड़ा होता है, जिसके बाद उस दुकान का मालिक मीडिया वाले के पास आता है और उसे मुकम्मल तौर पर आगाह करता है कि हम अपने बर्गर को कैसे तैयार करते हैं, जिसके बाद उस बर्गर की एड टीवी पर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये मीडिया वाला शख्स बर्गर का एक नवाला लेता है तो उसमें अजीब सी एनर्जी पैदा हो जाती है और फिर अपने आस पास खड़े लोगों को काटना शुरू कर देता है।
उसी किस्त में अगले सीन में दिखाया जाता है कि चंद दिनों बाद हर तरफ तबाही ही तबाही होती है और लोग एक दूसरे को काटने में लगे होते हैं। और इसी दौरान एक शख्स उस कार्टून के मर्जी किरदार के घर आता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी मदद नहीं की जाती और फिर वो भी किसी ज़ॉम्बी का निशाना बन जाता है। और अगले मंजर में नजर आता है कि जो भी शख्स गलती से उस बर्गर को खाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। इस तरह पूरे का पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाता है। इसके बाद उस कार्टून के मर्जी किरदार के बेटे को भूख लगती है और वो गलती से यही बर्गर खा लेता है, जिसके बाद डॉक्टर को फोन किया जाता है, लेकिन खुद डॉक्टर भी सैकड़ों ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है, जिसके बाद एक कार वाला शख्स उनको लेकर उस शहर से फरार हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये आज से 25 साल पहले की बात है जब उस कार्टून में लोगों को ज़ॉम्बी बनते दिखाया गया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मौजूदा दौर में एक ऐसा नशा तैयार किया जा चुका है जिसको लेने के बाद इंसान ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। लिहाजा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ अरसे में ये नशा आम हो जाएगा और लोग ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको एक ऐसी पेशगोई के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पेशगोई किसी आम शख्स के बारे में नहीं बल्कि इस दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में शामिल अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से है। इस कार्टून की एक किस्त में अमरीकी सदर के हवाले से ये पेशगोई की गई है कि 2023 उनका आखिरी साल होगा और वो इस साल वफात पा जाएंगे। जी हाँ, आपको भी सुनकर यकीनन हैरत का झटका लगा होगा, लेकिन यही हकीकत है। सन 2000 की बात है जब इस कार्टून में एक किस्त नशर की जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि अचानक लोग किसी वबा की वजह से शदीद बीमार होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाना शुरू कर देते हैं, और इन मरने वालों में बड़े बड़े अमीर लोग शामिल होते हैं। इस किस्त में आगे चलकर अमरीका के सदारती महल को दिखाया जाता है, जहां एक शख्स बैठा होता है जिसे अमरीका का सदर दिखाया गया है। उस शख्स तक जब इस बीमारी की खबर पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है कि मुझे जल्द अज जल्द अपना चेकअप करवाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि मैं भी इस बीमारी की वजह से मारा जाऊं। लिहाजा वो एक अस्पताल में जाता है जहां डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और उसे बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट एक दो दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। उससे आगे दिखाया जाता है कि ये शख्स एक बार फिर उसी दफ्तर में बैठा होता है कि उसका अमला आकर बताता है कि आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ये सुनकर अमरीकी सदर बहुत परेशान होता है और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि उसकी लाश एक जगह पर पड़ी है और पीछे वाज़े तौर पर लिखा है कि रेस्ट इन पीस जो बाइडन 2023। यानी बताया जा रहा है कि रवां साल मौजूदा अमरीकी सदर का आखिरी साल होगा। इस किस्त में हमें दो पेशगोइयां देखने को मिल रही हैं, जिनमें से एक अमरीकी सदर की मौत, जबकि दूसरी भयानक बीमारी जिसकी वजह से अमवात होंगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनमें से कौन सी पेशगोई पूरी होती है, जबकि ये भी याद रहे कि कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो और तस्वीर एडिट की गई है और हकीकत में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया। लिहाजा अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर ये भी एक हकीकत है कि इससे पहले भी इस कार्टून की बेशुमार पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान। गाइज, होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिल चुकी होगी किस तरह से जो है दज्जाल आने वाला है, एंड टाइम जो है कहा जा रहा है कि बहुत नियर है। और इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि किस तरह से जो है सिम्पसन प्रेडिक्शन जो है ट्रू हो रही है, ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हमें मिल चुकी है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ऑफिशियल साइट इसका विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।